ये मर्सिडीज की पता नहीं कॉन्सेप्ट कार है ये तो यार। ओ भाई यहाँ कॉन्सेप्ट कार लिखा हुआ है पूरा, और ये तो लॉन्च नहीं होती ना। नहीं भाई लॉन्च नहीं होती है वाली, ये सिर्फ कंपनी ने एक्सपेरिमेंट के लिए। और अपनी अंदर क्या हाल चला है, तो अभी फिलहाल यार बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो आज यार मेरे को एग्जाम देने जाना है पहले तो, और मैं एग्जाम देने जाऊंगा और फिर वहाँ से थोड़ा बहुत घूमने फूमने निकलेंगे। तो आज का फिलहाल व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और अभी सुबह हो रही है और जस्ट रेडी वगैरह होते हैं और निकलते हैं सीधा। सो गाइस, तो फिलहाल मैं अभी आयन ने जा रहा हूँ वहाँ पे ना प्रवास, अपने दोस्त के घर जा रहा है एग्जाम देने, और दोस्त के साथ बैठ के एग्जाम देगा। फिलहाल अभी मेरे साथ राम आया हुआ है, और अभी थोड़ा सा घूमने निकले हैं, और अभी थोड़ा आयन ने जाएंगे वहाँ पे, कश्मीरी आर्ट है वो भी, मैं अभी थोड़ा जाऊंगा उस साइड को। देखो भाई, ये देखो लड़कियों से बात करने में लगा हुआ है। अरे 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 क्या हो गया भाई, तो ये लौंडा बड़े दिनों बाद आया। हाँ भाई क्या हाल है भाई, बहुत दिनों बाद आया, ये क्या हो गया इसको, भाई का हुलिया हुलिया चेंज हो गया, शेविंग वेविंग करा लेंगे, अर्जेंट काम से हो गया था भाई। और कौन सा एग्जाम देने जा रहे तू, मैं दोस्त के घर में एग्जाम देगा बैठ के एक साथ। कितने लौंडे बुला लिए तूने एग्जाम देने, 5-6 बंदे भाई, मतलब 5-6 बंदे एक साथ बैठ के चलेगा, 5-6 बंदों में कुछ और ही चलेगा, एग्जाम भी चलता है, मतलब पूरा बहुत अच्छे से काम होता है भाई। इसके आंसर कोई और लिखता है, दूसरे आंसर कोई और लिखता है, यार राइटिंग में भाई यही चलता है इसके, समझ जाओ। फिर मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन ना मैं दो एग्जाम में मनाली में गया हुआ था भाई, मैंने एग्जाम ही लिखे थे, एक भी एग्जाम नहीं दिया, मंडे मंडे है, एक प्रैक्टिकल है वो देंगे। एनए की ये कौन सी मार्केट है भाई, ये बैक साइड वाली मार्केट है, बैक साइड वाली मार्केट है भाई, तो फ्रंट वाली जो मार्केट है कश्मीरी हाट की तरफ वहाँ चलेंगे फिर। फिलहाल अभी यहाँ घूम रहे थे भाई, ये क्या देख लिया हमने, क्या ये टूटी फूटी सीडीज भाई, यहाँ पे कुछ टूटी फूटी सी मर्सिडीज खड़ी है, ये काफी पुरानी लग रही है। ओ भाई ये तो पूरे चितड़े वितड़े उड़ रहे हैं, खड़े खड़े क्या हो रखा है ये तो सारी, मतलब जो पुरानी कार्स है वो खड़ी है भाई, सुबह खरीदवा दे यार। ओ भाई यार पता नहीं, ओ लोगों को सब गायब कर दिया भाई, चोरी हो गया है भाई, दिल्ली में चोरों की कमी थोड़ी। अरे भाई तो यहाँ पे शायद मेरे को लग रहा है लाइन वाइज वो खड़ी है सारी। हाँ। ये देखो आगे ना एक और कार खड़ी है, तो वो दिखाता हूँ चल के। तो यहाँ पे यार ऐसी काफी सारी यार पुरानी रिस्टोरेशन वाली कार खड़ी है, ये देखो सारी जो सामान है ना वो पड़ा हुआ है, काफी पुरानी यार, देखो यार इसका तो पूरे वितरे उड़ा रखे, मतलब गाड़ी सही थी यार, खड़ी खड़ी पुरानी हो गई है भाई, शीशे वीशे सब तोड़ दिए यार। तो देखो यार खोलियो, बोनेट खुल रहा है क्या, लॉक वॉक है क्या, ये देखो सारी मतलब यार काफी सही थी यार, सही कंडीशन में थी, बड़ी बड़ी खराब हो गई है। अरे मर्सिडीज का मॉडल है, काफी पुराना लग रहा है, 90s का मॉडल है भाई, 90s का मॉडल है, काफी सारी पुरानी गाड़ी खड़ी है। फिलहाल गाइस अभी आप लोग को दिखाता हूँ जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये देखो यार ये खड़ी है मर्सिडीज की, पता नहीं कॉन्सेप्ट कार है ये तो यार। ओ भाई यहाँ कॉन्सेप्ट कार लिखा हुआ है पूरा, और ये तो लॉन्च नहीं होती ना। नहीं भाई लॉन्च नहीं होती है वाली, ये शायद गाड़ी शायद ऑटो एक्सपो। ओ भाई क्या गाड़ी बनाई हुई है भाई साहब, इसके अलॉय साइज देखो यार कितने ज्यादा है, और टायर साइज भी बहुत ज्यादा है यार, नॉर्मल ऐसी गाड़ी दिखती नहीं यार ऐसी। हाँ बोल 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 भाई, इसका जो इंजन है ना मर्सिडीज की बाकी इंजनों से भाई काफी पावरफुल होगा भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट कार है ना। ओ भाई ओए गेट भी खुल रहा भाई, पकड़ियो। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम निकला पड़ा है इसका, फोर सीटर है, और भाई फोर सीटर बनाया हुआ है, काफी सही बनाया हुआ है यार, डबल डोर में फोर सीटर का काम कर रहा है, बड़ा ही बनाया हुआ है, और भाई क्या ही मतलब काम करा हुआ था, पर लेकिन यार कबाड़ हो गई है, बिल्कुल कबाड़ जिसे बोलते हैं ना। तो यहाँ देखो ये नंबर प्लेट वगैरह है, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट कार है, कितने साइलेंसर है भाई इसमें, एक ही है वैसे तो, इन तगड़ा हुआ है इसका। एक बार व्हील साइज देखोगे ना भाई, इतना ज्यादा व्हील साइज है, और जो लुक आ रही है ना कतल वाली लुक आ रही है पूरे। ओ ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही बनी है, और क्योंकि वाली गाड़ी दूसरी जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ और यार लुक देख रहे हो ना आगे से, ऐसा लग रहा है मस्टैंग सी बना रखी है, पीछे अलग शेप दे रखी है, पूरी बैंटले वाली जो होती है बैक साइड से, वो पता नहीं एक तरफ से ना लग रहा है ना, ये ना मतलब कार को मिक्स कर रखा है, ऐसा लग रहा है टार्जन देखी थी ना उसमें भी कुछ उसी टाइप में है, और एक साइड एक तरफ से हम ये भी बोल सकते हैं ओनली वन भी बोल सकते हैं, ओनली वन इन इंडिया हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि आगे से मस्टैंग का लुक आ रहा है, पीछे बैंटले वाला दे रखा है पूरा, और ऐसा लग रहा है टार्जन द वंडर कार में जो भाई, एक और वाली जो अंदर का भाई पूरा जो सिटिंग का है ना भाई, वो पूरा पोर्स से एकदम रिलेटेड है, मिलता जुलता अंदर का सिटिंग है पूरा, तो काफी सही लग रहा था, पर लेकिन यार अब खराब हो चुकी है बिल्कुल, जैसे बोलते ना कबाड़ा जिसे। उसी के साथ ये एक और मर्सिडीज खड़ी है, ये भी कबाड़ से, लोगो वो देखो तो सब गायब हो चुका है, 2005 का मॉडल है, पता है राम को पता है भाई गाड़ी के बारे में, 2005 में ही आया, तो इसमें तो अभी सिस्टम लगा पड़ा है अंदर का, पता नहीं बंद है भाई गाड़ी, बंद है क्या है, ओ भी है इसमें तो, और बाकी सब चीज तो गायब कर रखा है भाई, शीशे वीशे साइड के मतलब चोरी करके ले गए भाई सब, जो लुक आ रहा है ना भाई अनबिलीवेबल, क्या बताऊं, और क्या ही गाड़ी बनाई हुई है भाई मर्सिडीज वालों ने। तो यही गाड़ी ना ऑटो एक्सपो वगैरह में भी यही कॉन्सेप्ट कार्स ना वो आ जाती है, और भी अलग अलग कंपनियां लेके जाती है, तो वैसी ये वाली भी उन्हीं में से एक थी, तो पर लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब वैसी कबाड़ में पड़ी है ये कार। राम तूने एक चीज नोटिस करी, ये मतलब जितनी भी कार थी सारी मर्सिडीज थी। हाँ नहीं यार
पर भाई ये नोटिस करी तूने अब करिए नोटिस जब तूने बताया तब करिए मैंने तो मैं अभी सोच रहा यार मैं सारी कार देखा रहा हूँ मर्सिडीज क्यों है क्या पता भाई जिसकी कार हो ये सारा मर्सिडीज का ओनर वोनर हो मतलब ओनर हो या फिर कुछ मतलब कंपनी में हो उसकी बातचीत या भाई मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट कार खड़ी है तो सोच लो कोई बड़ा ही बंदा हो बड़ा ही बंदा होगा जिसकी भी कार है जो भी है नेक्स्ट डे गाइस तो अभी यार मैं आया था जिम में और जिम से अभी वापस जा रहा हूँ और अभी शाहपुर जेट में हूँ मैं और यहाँ पे देखो यार मेरे पीछे ये पूरी मतलब शूटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे अभी हमने क्या पता कह रहा है प्रभास बता भाई यहाँ पर शूट हो रही है वेब सीरीज हो रही है सोनाक्षी है इसमें सोनाक्षी है पता नहीं देखते भाई बाई चांस अगर दिख गए तो हम दिखा भी देंगे तो अभी मैं आपको सीन दिखाता हूँ इधर का क्या बाकी जो फैशन स्ट्रीट है ना इसके अंदर यहाँ शूट हो रहा है अभी फिलहाल और अभी भाई पूरा माहौल पूरा सेट है पूरा यहाँ कुछ मतलब ज्यादा लोग रिवील नहीं कर रहे यार क्या सीन है बताने को रेडी भी नहीं है वो पता ही नहीं है ना भाई यहाँ पर अभी मतलब जो इनके बंदे हैं ना वो ज्यादा रिवील भी नहीं कर सकते ना वो तो हमने बाय चांस पूछ लिया भाई बंदे ने बता दिया जैसे तैसे करके और रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं पर लेकिन वो चीज देखो यहाँ शूट चल रहा है देखो यहाँ पे पूरा देखो ये वो है तो गाइज आज का व्लॉग यहीं था और इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ और ना व्लॉग्स में यार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे धीरे धीरे चेंजेस काफ़ी सारे चेंजेस न्यू चेंजेस लाऊंगा तो चैनल को ज़रूर से हो सके सब्सक्राइब करना और फालतू की बकबक ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइज़।